some more inputs on this particular story. This is regarding the Uttar Pradesh Bipole battle. We're learning that a girl's body has been found in a sack, abducted, drugged and brutally killed. Big update coming in from Uttar Pradesh amid the Bipole battle. We're learning that a girl's body has been found in a sack, and there's a shocking claim made by deceased Skin, who says that she has been killed for not voting for the Samajwadi Party. UP's Karhal is considered a Samajwadi Party stronghold, and shocking claim coming to the fore by the deceased Skin that she has been killed for not voting for Samajwadi Party. My colleague Manish is now joining us with more details on this. Manish, is pure mamle ke bare mein aur kya jankari mil rahi hai? Dawa kiya ja raha hai ki jis ladki ki hatya kari gayi hai, usse isliye mara gaya kyunki usne Samajwadi Party ko vote nahi diya. परिवार के लोगों में वो ये का कहना है कि एक दिन पहले लड़के ने आकर धमकी दी थी कि बीजेपी को वोट नहीं करना, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करनी है, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं देख लेंगे. अब परिवार के लोगों का कहना है कि जो उनकी बिटिया किडनैप हुई उसके पीछे वही धमकी है. वोट न देने का जो दबाव बनाया जा रहा था वो एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, और जो हत्या हुई है वो इसी कारण से हुई है. हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अभी प्रारंभिक जांच के बाद दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक प्रशांत यादव, दूसरा मोहन कटेरिया शामिल है. हालांकि कुछ लोग और भी इसके पीछे हो सकते हैं. पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि क्या केवल वोट न देना एक कारण है या फिर इस घटना के पीछे कोई और बड़ी वजह है. इन सभी मामलों की जांच की जा रही है. हालांकि इन सबके बीच परिवारजनों का ये आरोप है, जिसे एफआईआर में हालांकि इन आरोपों का कोई जिक्र नहीं है. जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए. सो रादर शॉकिंग इंसिडेंट कमिंग टू द फोर फ्रॉम उत्तर प्रदेश करहल, वेयर बाइपोल्स आर अंडर वे, बट अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट अ गर्ल हैज बीन फाउंड डेड इन अ सैक एंड द फैमिली क्लेम्स दैट शी हैज बीन किल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वोट फॉर द समाजवादी पार्टी. एंड नाउ शिफ्टिंग फोकस.